बसपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी इमरान मसूद ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सपा भाजपा की बनाई गई रणनीति थी कि तुम हम पर हमला करो, हम तुम पर हमला करेंगे। भाजपा के खिलाफ सपा बोले, उनकी हैसियत नहीं। आजम की बर्बादी में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है तो उनकी बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ समाजवादी पार्टी का है। अखिलेश यादव को उनके लिए फुर्सत नहीं। तुम अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर पाते, तुम पूरी कौम की क्या हिफाजत करोगे। वह बृहस्पतिवार की रात एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे। कहा कि प्रदेश के भीतर ये साबित कर दिया कि चुनाव में लड़ाई सपा और भाजपा की है, लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया और उसमें साइकिल का पहिया तार तार हो गया, तब जनता को समझ में आया कि ये भारतीय जनता पार्टी की रची हुई साजिश थी। उत्तर प्रदेश में भाजपा की दोबारा सरकार बन गई। अखिलेश यादव, आपको फर्क नहीं पड़ता कौन जेल जा रहा है, कौन तबाह हो रहा है, कौन बर्बाद हो रहा है। जो आपसे सवाल पूछने का काम करते, उन्हें कुचलने का काम कर दिया, उसमें चाहे आजम खान हो या कोई और। आजम की बर्बादी में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है तो उनकी बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ समाजवादी पार्टी का भी है। लोगों को समझाना चाहिए, उन्हें समझने की जरूरत है। आजम खान तबाह और बर्बाद हो गए, अखिलेश यादव को उनके लिए फुर्सत नहीं। नाहिद को अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए था, लेकिन उन्हें अस्पताल की जगह जेल में बंद कर दिया गया। तुम अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर पाते, तुम पूरी कौम की क्या हिफाजत करोगे। आज प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के जो भी हालात हैं, उसके लिए सपा ही जिम्मेदार है। उनके खराब समय में किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। बसपा सुप्रीमो ही प्रदेश में सुशासन ला सकती है। अगर प्रदेश के दलित व मुस्लिम एक हो जाएं तो बसपा को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। सत्ता की चाबी दलित व मुस्लिम गठजोड़ में छिपी है। प्रदेश में दलित मुस्लिमों पर अत्याचार को रोकना है, बसपा को प्रदेश में सत्ता में लाना होगा। इससे पहले पदाधिकारियों ने इमरान मसूद को जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष सोमपाल सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष रामोतार, पूर्व चेयरमैन जोया यामीन, फरहान खान, ठेकेदार अब्दुल कलाम, रेवती रमन, आसिफ अंसारी आदि मौजूद रहे।